छोटे जो नए नए लड़के हैं जिनको डिप्यूट करते हैं अपराधी, वो लोग को ही पकड़ के अपना थाना पूर्ति करते हैं, या फिर कोई निर्दोष लोगों को पकड़ के थाना पूर्ति किया जाता है। और ये लगातार ये घटनाएं होती रहती है और इसमें कहीं ना कहीं इनका मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का, क्योंकि पुलिस का संरक्षण है। पुलिस का संरक्षण नहीं होता तो अपराधी डरते हैं। अब इस लेवल तक उनका मन बढ़ गया कि हमारे विधायक प्रतिनिधि को भी एक दर्जन गोली से मार दिया गया। तो मेरे जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार विस्थापित, और हर जगह हमारा जहाँ भी काम चलता था, जहाँ भी सामाजिक रूप से जो भी कार्य करते थे उसमें वो बहुत सक्रिय रहते थे, हमारे सबसे क्लोज थे। और मेरे पिताजी के भाई थे, उनको भाई मानते थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का नुकसान हुआ है, और इससे पहले भी कई सारे घटनाएं हुई हैं। कोई व्यापारी को टारगेट किया गया है, उनका मर्डर कर दिया गया है, कोई आम आदमी का मर्डर कर दिया गया, और आए दिन गोली मारने की सूचना अपराधियों के द्वारा हमेशा आती रहती है, और इस पर लगाम लग ही नहीं रहा है। तो मैं यही मानती हूँ कि रामगढ़ जिला में पूरी तरह से प्रशासन व्यवस्था, विधि व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, जो कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देना चाहती हूँ कि वो इसको पर्सनली देखें, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हमारी सरकार में तुरंत कार्रवाई होती है। सिर्फ रामगढ़ की मैडम व्यवस्था या पूरे राज्य को? जब आम जनता कहती है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त, विपक्ष उसका साथ जरूर देती है, क्योंकि विपक्ष का भूमिका होता है। इस प्रकरण में मैडम एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप पीड़ित है तो आप काफी अच्छा से बयां कर रही हैं कि रामगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरा राज्य का भी यही हाल है और जनता कह रही है, कैसे सुधरेगा मैम, क्योंकि आप विधायक हैं, जनता की आवाज़। मैं रामगढ़ में रहती हूँ, मैं हजारीबाग जिला में भी मेरा क्षेत्र है, कुछ छतरा जिला में क्षेत्र है, लेकिन मैं देखती हूँ कि रामगढ़ में ही मर्डर के केसेस होते रहते हैं। हजारीबाग जिला में भी हम रहते हैं लेकिन वहाँ पे इस तरह की घटनाएं बस ही नहीं सुनने को मिलती है जितना रामगढ़ में सुनने को मिलती है। इसलिए मेरे को लगता है कि रामगढ़ में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। अगर कहीं और भी होता है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। अभी किसे क्या प्रोग्रेस है, कुछ अरेस्ट वगैरह हुआ है, कुछ किसे कुछ किया है? अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ है, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ है किसने किया। अब ये इंटरनल बात है, ये पुलिस प्रशासन ही बता पाएगा कि किसको आइडेंटिफाई किया है और कब अरेस्ट करेंगे, क्योंकि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसका जांच NIA से हो, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सवाल है प्रशासन के ऊपर, क्योंकि लगातार इस तरह की सेम घटनाएं हो रही है, एकदम एक जैसा घटना हो रहा है, कभी व्यापारी मारे जा रहे हैं, कभी आम आदमी मारे जा रहे हैं, और अब मन इतना बढ़ गया है कि हमारे विधायक प्रतिनिधि का भी हत्या कर दिया गया है। कहीं ना कहीं टारगेट हम भी हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी टारगेट बनाने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि मेरे विधायक प्रतिनिधि का तो कोई दोष नहीं था, वो बस जो हमारा निर्देश रहता था वो निर्देश पे का पालन करते थे, जाते थे, लोगों के बीच में जाते थे, कोई गलत काम होता था उसका विरोध करते थे, यही उनका काम रहता था। आपको टारगेट क्यों? देखिए, मेरे विधायक प्रतिनिधि तक पहुंचना मतलब मुझ तक पहुंचना, मेरे परिवार तक पहुंचना, मेरे कार्यकर्ता मेरे परिवार है, और उनको अगर कोई बहुत जो मेरा राइट हैंड है उसको टारगेट करना मतलब मुझे टारगेट करना।